हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, वैकेंसी आ रही है सेल बोकारो भर्ती 2019 के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर ऑपरेटर अटेंडेंट टेक्नीशियन के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल ITI डिप्लोमा पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी 16,800 से 24,110 रुपये पर मंथ मिल सकती है। 463 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया जॉब है, किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हों आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 11 अक्टूबर 2019। इस भर्ती से संबंधित और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। 20 सितंबर 2019 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां पर देख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, झारखंड इंडिया से। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए वैकेंसी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी 302 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड की गई हैं, 302 पद हैं। स्ट्रीम क्या क्या है? मैकेनिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, और मेटलग्री है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, और यहाँ पर क्रेमिक्स है। इस तरह के यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको स्ट्रीम दिए हुए हैं। सभी स्ट्रीम के जो अलग अलग वैकेंसी है वो डिवाइड की गई है, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की गई है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर वैकेंसीज देख पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, बॉयलर की 8 पद हैं यहाँ पर, ठीक। फिर है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की, 153 पद निकाले गए हैं इनके लिए। तो ये तीन तरह के पद यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए कुछ पदों को रिजर्वेशन करके भी रखा गया, जैसे कि विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। अब उम्र सीमा की बात कर लें, उम्र सीमा आपकी 11 अक्टूबर 2019 तक की उम्र सीमा काउंट की जाएगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए अगर आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम 28 वर्ष। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम 30 वर्ष। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए आवेदन करते हैं तो मैक्सिमम 28 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। EWS एक्स सर्विसमैन, इस तरह के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आयु सीमा में रिजर्वेशन मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स 11 अक्टूबर 2019 तक कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि कोई भी अपेयरिंग अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको हाई स्कूल पास यहां पर मांगा गया है। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेजरी, केमिकल, क्रेमिक्स, ये सब चीज़ों से संबंधित अगर आप ट्रेड में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए हाई स्कूल पास और 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए बॉयलर से संबंधित, ठीक। फिर है नेक्स्ट जो तीसरा पद है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का, इसके लिए आपको हाई स्कूल पास चाहिए, ठीक है। साथ में ट्रेड टेस्ट जो कंडक्ट होता है NCVT गवर्नमेंट इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग, उसके साथ जो आपका रहेगा ट्रेनिंग पीरियड वो यहाँ आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी तीनों अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मेल अभ्यर्थी की हाइट 155 सेंटीमीटर, फीमेल की 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का वजन 45 किलोग्राम और फीमेल का 35 किलोग्राम वजन यहाँ पर होना चाहिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रिटन एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम होगा इसके लिए। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम रखा गया है। पहली पोस्ट के लिए अगर आवेदन करते हैं तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रिवेलेंट डिप्लोमा इंजीनियरिंग संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे।
दूसरी पोस्ट बॉयलर के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए भी ऊपर की सभी चीज़ें सेम है, केवल लास्ट में बॉयलर से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन होंगे। और जो थर्ड वैकेंसी है उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और यहाँ पर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रखी गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस मार्किंग भी इसके लिए रखी गई, तो अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप इसके लिए आगे इसमें भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक, ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पर 10,700 रुपये यहाँ पर दिया जा सकता है, फर्स्ट ट्रेनिंग में 12,200 रुपये दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही से इसमें बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, अपने अनुसार रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 16,800 से 24,110 रुपये तक आपको मिल भी सकता है यहाँ पर तीनों वैकेंसीज में। ठीक है, तो ये रहेगा। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको जो पहली पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की, उसके लिए 250 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे, दूसरी पोस्ट के लिए भी 250 देने पड़ेंगे, और तीसरी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको 150 रुपये फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको करना होगा ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिससे आप वहां से आसानी से आवेदन कर सकें। आवेदन करने का लिंक रहेगा www.online, ये जो ebi.com, ठीक है, यहां से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट करने का लिंक रहने वाला है यहां पर, इससे आप पेमेंट कर पाएंगे। तो साथियों, इस भर्ती से संबंधित जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आवेदन करने के लिए, वो मेरे द्वारा आपको अच्छे से समझाई गई। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 20 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 11 अक्टूबर 2019 इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की। तो फटाफट आवेदन करें, और आवेदन करने का लिंक और इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।